हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए हो, आप लोगों ने पहले मेरा चैनल नहीं दिया देखा हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, लाइक ना किया हो, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हमने बनाई है एग करी, आप लोगों के साथ शेयर की है, तो देखिए मेरी वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। एग करी और सादा रोटी बनाई है गेहूं की, पूरी पराठे के साथ भी आप खा सकते हैं, राइस के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। आइए, तो ये मैंने बॉयल एग ले लिए हैं, 8 बॉयल एग हैं, 8 से 7 8 बॉयल एग हैं। इधर 2 टमाटर, 1 प्याज, 2 अदरक के टुकड़े और 2 हरी मिर्चें, इनका हम पेस्ट बना लेंगे। टमाटर की प्यूरी बना लेंगे और प्याज और अदरक और हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट बना लेंगे। देखिए पेस्ट बना लिया हमने। इधर कढ़ाई ले ली, कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल, थोड़ा डालेंगे जीरा, डालेंगे हींग थोड़ी सी, इसमें मिर्च मैंने स्लिट कर दी थी, हरी मिर्च 2 और वो डाल दी थी। इधर पेस्ट मैंने जो पीसा है प्याज का वो भी डाल दिया है, भून लिया है थोड़ी देर, ढक के इसको ढक के भून लिया है। फिर डाल देंगे टमाटर की प्यूरी, जो 2 टमाटर थे वो भी हमने पीस लिए थे, उसकी प्यूरी बना ली थी। इसमें डालेंगे हम सूखे मसाले, हल्दी, मिर्चा, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, जो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। मैंने धनिया और गरम मसाला, धनिया पाउडर और गरम मसाला दोनों मिक्स करके पीस रखे हैं, तो वो मैंने दोनों मिक्स करके डाले थे, आप अलग अलग भी रख सकते हैं उनको। मैंने खट्टा पीसा है उनको, तो मैंने खट्टे ही डाल दिया है। इधर मसाला खूब अच्छे से भुन गया हमारा। इधर हम क्या करेंगे, अंडे के बीच में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कट लगा लेंगे चाकू की सहायता से। कट लगाने के बाद हम वो अंडा, इस मसाले में जो अंडे हैं बॉयल वाले, हम लोग अंडे को फ्राई नहीं करेंगे दोस्तों, अंडा हम इसी तरह से अंडे बॉयल किए हुए बस थोड़ा सा बीच में से चीरा लगा लेंगे और मसाले में अच्छे से इनको मिला देंगे। मिला के इनको थोड़ा देर ढक देंगे ताकि जो मसाला है अच्छे से इनके ऊपर कोट हो जाए। इससे क्या होगा, अंडे के अंदर मसाला चला जाएगा और जो हमने बीच में से चीरा लगाया था इसमें जो है अच्छे से नमक मिर्च मसाला थोड़ा सा टेस्ट अंदर आ जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा चीरा लगा दीजिएगा अंडे में, कट लगा दीजिएगा। अब मैंने ढक के थोड़ा देर इसको पका दिया था, मसाला भी भुन गया, अंडे भी हमारे अच्छे से भुन गए हैं। इसके बाद इसको लगाएंगे थोड़ा सा हम पानी, तो पानी कौन सा, जो मिक्सी का जार जो हमने लिया था, जार में हमने पेस्ट बनाया था, टमाटर की प्यूरी बनाई थी उसी जार में हम थोड़ा सा पानी करीब 1 कप के करीब लगाएंगे, थोड़ा सा और लगाएंगे, 2 कप पानी लगाया हमने, 1 गिलास करीब, 1 गिलास पानी लगा देना है। देख लीजिएगा आपकी अंडे कितने हैं उस क्वांटिटी में, ज़्यादा पानी ना हो, और चावल के साथ अगर आप लोग खाना चाहें राइस के साथ तो उस तरह से इसकी ग्रेवी रख सकते हैं दोस्तों, बहुत टेस्टी बनता है। लोहे की कढ़ाई है, आप लोगों को लगेगा ये काला हो गया है लेकिन सब्जी का मज़ा तो लोहे की कढ़ाई में ही आता है दोस्तों। सो देखिए आप लोगों के लिए मैंने आप थोड़ी सी मेहनत की थी, इन्जॉय कीजिए और प्लीज़ रेसिपी पूरी देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, इस तरह से बना के देखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आप लोगों ने रेसिपी बनाई या बना के देखी। प्लीज़ बनाइएगा दोस्तों, बहुत अच्छी बनती है, सिंपल तरीके से। बाय बाय दोस्तों।